उत्तर प्रदेश सरकार के कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही की अध्यक्षता में एनेक्सी भवन के सभागार में मंडलीय खरीफ उत्पादकता गोष्ठी का आयोजन किया गया। इस अवसर पर कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने कहा कि प्रदेश में 68 जिलों में खेती अच्छी हुई है। सरकार लगातार कृषि को बढ़ावा देने के लिए प्रयास कर रही है। किसानों को नई तकनीक से खेती करने के लिए गोष्ठी आयोजित कर प्रशिक्षण दे रही है। इसके अलावा गाँव गाँव में जो हमारे कृषि तकनीकी सहायक हैं वो किसानों को नई तरह की खेती और नए तरह की वस्तुओं को उगाने के लिए प्रेरित कर रहे हैं, जिससे किसानों की आय दोगुनी हो सके। इस अवसर पर जिलाधिकारी कृष्णा करुणेश, CDO संजय कुमार मीना सहित अन्य अधिकारी मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुरनी से बात करते हुए उत्तर प्रदेश सरकार के कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने कहा, देखिए गोष्ठी में किसान अपनी समस्या की जानकारी भी देते हैं। एक मिनट प्लीज, यहाँ आज गोरखपुर में बाबा गोरखनाथ की धरती पर 3 मंडलों की खरीफ उत्पादकता गोष्ठी 2023 संपन्न हुई है, जिसमें 3 मंडलों के आयुक्त और सभी विकास अधिकारी और अन्य विभागों के अधिकारी यहाँ पर उपस्थित रहे हैं। किसान भाई भी यहाँ पर उपस्थित रहे, जिनकी बीच बैठ करके खरीद की योजना प्रशिक्षण से हो और उनका उत्पादन होता उत्पादकता बढ़े उस पर चर्चा की गई है और हर जनपदों के लिए एक लक्ष्य रखा गया है, उसके अनुसार अपनी उत्पादकता को बढ़ाने का साथ साथ में खेती के लिए प्राकृतिक खेती और सूर्य खेती को प्रोत्साहित किए जाने की चर्चा हुई है और किसान भाइयों ने कुछ कठिनाइयाँ बताई हैं उनके समाधान जो संबंधित विभाग हैं उनका समाधान निकाल सकते हैं। सर, पिछली बार जब धान की खरीद हो रही थी तो कुछ वैरायटी की खरीद नहीं हुई, उसको पहले बोया गया फिर रोक दिया गया, तो क्या इस बार पहले से ही जागरूक किया जा रहा है या बताया जा रहा है कि इस वैरायटी नहीं, ये बराबर बताया जाता है कि इस वैरायटी का मतलब लगाइए, बीमारी वाली फसल को लगाने से कठिनाइयाँ पैदा होती हैं, किसान का नुकसान होता है, इसीलिए मैंने भी अपने भाषण में इसकी चर्चा किया है। यहाँ सबसे बड़ी चिंता की बात यह है कि आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने राज्य सरकार की ओर से कुशी नगर जनपद के भीतर महात्मा बुद्ध कृषि तकनीकी विश्वविद्यालय खोले जाने का इस बार बजट के भीतर व्यवस्था कराई है और जुलाई महीने में इस बात की संभावना है कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी के तत्व के द्वारा उनका शिलान्यास संपन्न कराया जाएगा। दूसरा गोरखपुर मंडल के लिए खुशखबरी की बात यह है कि यहाँ पर एक मल्टीपर्पज पैक हाउस बनाया जा रहा है, जिससे सब्जियों और फलों को ठीक से उसको पैकिंग करके और उसको देश के बाजारों में और अन्य देशों के लिए उसको निर्यात किया जा सकेगा, जिससे उनकी क्षमता बढ़ेगी। कल वाराणसी के भीतर उस नए पैक हाउस का मुख्यमंत्री जी के द्वारा फ्लैग ऑफ किया गया है। अभी इसी महीने हमने उमरवा से एक पैक हाउस का लोकार्पण किया, तो इस तरीके से राज्य में हम लोग इस बात का प्रयास कर रहे हैं कि किसानों की फल और सब्जियों का और खाद्यान्न का एक्सपोर्ट कैसे बढ़ाया जा सके, उसके लिए यह उसमें यह एक बहुत बड़ा कदम होगा और जितना एक्सपोर्ट होगा उससे ज़्यादा कीमतें किसान भाइयों को मिलेंगी। इस नाते राज्य सरकार भी इस पर फोकस कर रही है, बढ़ रही है। पिछले साल वाराणसी से 550 मेट्रिक टन के करीब और लखनऊ से 650 मेट्रिक टन हमारा एक्सपोर्ट हुआ था और इस साल अभी इन 3 महीनों में 300 मेट्रिक टन के करीब एक्सपोर्ट हुआ है, तो तेज़ी से राज्य जो है एक्सपोर्ट करने की निर्यात करने के किसान आगे की ओर बढ़ रहा है और इस एक्सपोर्ट के कारण 10,000 से ज़्यादा किसानों को उनको बेहतर कीमतें मिली हैं, जिससे कि उनकी आमदनी बढ़ी है। मंत्री जी, नहरों में पानी को लेकर क्या, क्योंकि इस समय बारिश भी नहीं हो पा रही है, नहरों में पानी की व्यवस्था की गई है और सभी जनपदों के भीतर पानी है। एक आध स्थानों से लोगों ने कहा है कि वहाँ पर पानी नहीं है, तो उसको हम निकलवाएंगे और उसके उनके समस्या का समाधान कराएंगे। पूर्वांचल के आप जिस हिस्से में खड़े हैं यहाँ एक तरीके से सूखा पड़ा नहीं, अभी सूखा नहीं पड़ा हुआ है, अभी तो फसल ही नहीं लगी है तो सूखा नहीं पड़ा है, इंतजार है, मानसून राज्य के भीतर आ गया है, इन दिनों पिछले हफ्ते यहाँ पर भी अच्छी बारिश हुई है, तो अभी ये नहीं कहा जा सकता।